अभी दामा मिसिंग है, दामा हो गया। दिस इज नाइस कलर है सोन भाई, लुकिंग वेरी नाइस। राजेंद्र जी पाइप दिया है। ठीक है ठीक है। पाइप
हाँ बोलो अरे एक मिनट रुको ना यार व्हाट इज दिस सर यहां पे ये बाजू लगे ना मध्य मध्य अरे सतेज सतेज उसको भी अंदर आने दे यार क्यों मना कर रहा है कुछ अलग चाहिए हटके लगता है उसको मिडिया वाले को हटके चाहिए अब हटके दो भैया जी थैंक यू मिट्टी लोग हैं इसी के पास इसी के पास लग रही है और सब लोग यहाँ सब लोग एकदम सामने जिसने भी शूट किया पीछे जाना जिसने नहीं शूट किया वो आगे आना प्लीज हाँ जिसने छूट किया सब पीछे जाना मैं हो गया सबका तो बताना नहीं हुआ हाँ शॉर्ट ले सर कुछ भी बात करना आप उसके बाद में सो इट कैन होल्ड टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज एप्लीकेशन इज हॉट एंड कोल्ड वाटर बोथ वी कैन अप्लाई इट एंड इट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर यूपीवीसी यूपीवीसी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वी वेरी रेयर लाइक ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स आर देयर इन इंडिया एंड वेरी लीस्ट पीपल आर देयर हु आर मेकिंग इट पाइप मजबूत है इसलिए हमने मजबूत बनाने में से मेरे को प्लीज थोड़ा मसल भी दिखाओ ना फ्रेम में बिल्कुल मसल भी दिखाएंगे इसके बाद है शूट मसल एंड द रीजन बिहाइंड टेकिंग सोनू जी एंड आपको क्वेश्चन करना चाहिए नहीं क्वेश्चन अपन वहाँ पे करेंगे सर मैं सिर्फ फोटो खींच रही हूँ विजुअल ले रही हूँ हो गया सोनू जी सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज का जो एड है उसके बारे में कुछ बताइए किस तरह का शूट है और कैसा एक्सपीरियंस था आज का शूट करने का बहुत मजा आ रहा है नो वी आर शूटिंग दिस प्रोडक्ट कॉल्ड टेक्समो पाइप्स देश की सबसे मजबूत पाइप और बड़ी भरोसेमंद पाइप्स है तो बहुत मजा आ रहा है नो मेरी कोस्टार सोनल है मेरे साथ इन्होंने जब डन फिल्म्स टुगेदर बहुत अच्छी दोस्त है मेरी सो जब दोस्त सेट पे होते हैं तो और भी मजा आता है राजेंद्र जी ग्रेट डायरेक्टर रिवाल साहब जिन्होंने इतनी कमाल की पाइप्स बनाई है यू नो आई थिंक उन्होंने जो ट्रस्ट रखा हमारे ऊपर एज एन एक्टर सो थैंक यू सो मच और मजा आ रहा है शूट करते हुए और बस आप लोगों से मिल रहे हैं और भी मजा आ रहा है अच्छा इसके अलावा कोई मेमोरी ताजा हुई है अपने पहले एड शूट की कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे कोई फन मेमोरी या ऐसे फन मेमरी यू नो मैंने और सोनू ने फिल्म की थी साथ में बुढ़ा हो गया तेरा बाप तो वापस हम लोग वापस शूट करें तो ये मेमरीज जरूर है अच्छा हमेशा लगता है जब दोस्त वापस कैमरे के सामने आते हैं और इट्स ऑलवेज ग्रेट जब आपके पास प्रोडक्ट बहुत कमाल का होता है शूट करने वाला और टेक्नीशियंस जो आपके साथ होते हैं यू नो आपके डायरेक्टर आपके जो प्रोडक्ट है यू नो जिनका होता है वो सब अच्छी टीम हो सो सफर आसान होता है और यू नो आई थिंक यू एंजॉय वर्किंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत मजा आ रहा है शूट में जैसे सोनू ने कहा कि हम अब बहुत अच्छे दोस्त तो हैं ही और हमने साथ में फिल्म भी की हुई है बुढ़ा होगा तेरा बाप तो अब उसके बाद ये बहुत टाइम के बाद हम दोनों कैमरा को साथ में फेस कर रहे हैं तो इट्स वेरी नाइस और काफ़ी मेमोरीज भी रिफ्रेश हो गई हैं तो मज़ा आ रहा है और हमारे डायरेक्टर राजेंद्र जी इनके साथ में पहली बार काम कर रही हूँ बहुत ही प्रोफेशनल बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं हमको बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और जिस ब्रांड के लिए हम शूट कर रहे हैं टेक्समो पाइप से बहुत एक भरोसेमंद ब्रांड है बहुत आई थिंक देश का सबसे स्ट्रॉन्ग पाइप है सो आई एम वेरी प्राउड कि हम एक इतने अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं तो
जी अभी मैं एक म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ और बहुत जल्दी आप उसे देखेंगे और मैं एक फिल्म भी स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल तो टेक्समो आर मेजर हम लोगों का जो भी है सी पी वी सी फिटिंग्स एंड इट कैन होल्ड द टेम्परेचर। इसका एप्लीकेशन हॉट एंड कोल्ड वाटर में है तो हम लोगों को ये सोनू जी और सोनल जी का कपल इसलिए अच्छा लगा कि एक तो इन लोगों का पुराना मूवी में बुढ़ा होगा तेरा बाप में इन लोगों को देखा था, बहुत अच्छी मूवी थी। प्लस सोनू जी की स्ट्रेंथ एंड इनकी इमेज, सोनल जी की फैमिली, मॉडर्न फैमिली, तो हम लोग उस वे में उसको पोर्ट्रे करेंगे। तो इट्स वेरी गुड। राजेश जी, आज के शूट में क्या होगा? आज के शूट में क्या होगा? आज के शूट में हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्समो पाइप कितना मजबूत है, कैसा, और हमने इसको परिवार से कैसे जोड़ा है। ये शरीर की बॉडी होती है, उसमें आपको रगों में खून दौड़ना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, तो वही एक पाइप में भी होता है। अगर आपका पाइप अच्छा है तो घर में खुशियाँ रहती है, अगर घर में लीकेज है तो वाइफ परेशान रहती है, अगर वाइफ परेशान है तो पूरा घर परेशान है। तो हमने दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं तो घर में टेक्समो पाइप फिटिंग लगाएं तो घर में खुशहाली रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे राजेश जी ने बताया, जब इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया कि एक मजबूती और एक फैमिली का जो हमने कनेक्शन जोड़ा हुआ वो बहुत अच्छा था, और मुझे पता है कि बड़ी कमाल की एड शूट करते हैं, तो जो पूरी टीम थी, सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड टू वर्क विद देम। और जो प्रोडक्ट होता है, मैं जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को चुनते हैं तो वी विल मेक श्योर कि जब हम उसे प्रमोट करते हैं तो वो उतना डिजर्व करता हो जितनी हम उसके बारे में बातें करते हैं। तो व्हेन आई सॉ द प्रोडक्ट तो आई वाज वेरी कन्विंस कि टेक्समो पाइप्स हैं बड़ी कमाल की। तो मैं अभी सर को बोल रहा था मैं कि जब मैं घर बनाऊंगा तो आपसे टेक्समो पाइप्स ही बनाऊंगा अपने मंगवाने के लिए, तो आई थिंक मुझे डिस्काउंट भी अच्छा दे देंगे। अभी शूट चालू है प्रबुद्ध देवा जी के साथ और तमन्ना जी के साथ, फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो ट्राइलिंगुअल है, तमिल तेलुगु और हिंदी में बन रही है। के साथ कुंफू योगा की शूटिंग चल रही है, अभी जयपुर जोधपुर में शूट होगा 3 दिन बाद, से फिर वी आर गोइंग टू चाइना। सो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ऑन फ्लोर हैं और लेट्स होप कि ऐसे काम करते हैं। विलन के रूप में काफी अप्रिशिएट किया जाता है, इतना स्ट्रांग विलन बॉलीवुड में मिलता नहीं है। क्या बात है। तो आगे भी आप विलन के रोल ज्यादा करना पसंद करेंगे या एज ए लीड? नहीं, मैंने नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पॉर्टेंट नहीं होता, वो स्क्रिप्ट के अंदर कितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो इम्पॉर्टेंट है। हमेशा फिल्म को उसी नज़रिए से देखा है। जो जैकी चैन वाली फिल्म है उसमें भी पॉजिटिव रोल ही है और एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है। सो एज एन एक्टर जब भी मैंने चुनाव किया है रोल का, उस फिल्म में मैं क्या लेकर आ सकता हूँ, एज एन एक्टर हमेशा उसकी सोच से किया है। तो पॉजिटिव नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टर एक्टर होता है चाहे रोल कोई भी करे। इसके अलावा सोनल जी, आपने जैसे कहा कि अभी एक म्यूजिक वीडियो आपका आने वाला है लेकिन काफी समय से नहीं आया, तो चूजी हो गए अपने प्रोजेक्ट? नहीं, मैं चूजी मतलब हाँ, मैं जरूर ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं उसे पसंद करे। तो अभी मैं एक फिल्म शुरू करने जा रही हूँ, उसका अनाउंसमेंट आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, तो आई होप कि ऑडियंस पसंद करे। ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहें? मैं आई थिंक एक एक्टर को लाइफ में हर तरीके के रोल्स करने चाहिए, और वही मैं भी चाहूँगी कि मैं हर तरीके से अपने आप को यू नो कैरेक्टर्स प्ले कर पाऊँ। तो अभी तो बहुत लंबा सफर है। हमेशा जब आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं तो आप ये हमेशा सोचते हैं कि आप उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, हमारे डायरेक्टर हैं राजेंद्र जी, जब उन्होंने मुझे बताया कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट को शूट कर रहे हैं, तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि मजबूती है उसमें, परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यू नो आई केम ऑन बोर्ड। और जब परिवार के साथ है तो परिवार की फैमिली कंप्लीट करने के लिए एक खूबसूरत वाइफ भी चाहिए, जिसके कारण सोनल बोर्ड पर आई। सो एक पूरा यू नो फैमिली कॉन्सेप्ट है और एक भरोसे की बात कर रहे हैं हम लोग। सो आई थिंक टेक्समो की जो हम मजबूती और भरोसे की बात करते हैं वो आप हम ऐड के जरिए जरूर कन्वे करेंगे। आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज शूट करने का? हालांकि आप पहले भी फिल्म कर चुके हैं लेकिन आज का बहुत अच्छा रहा। हमेशा यू नो जब से हमने फिल्म शुरू की है उसके बाद भी दोस्त बड़े कम मिलते हैं शहर में। सोनल बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, और जब भी हमने साथ शूट किया है तो वो दोस्ती जरूर दिखती है स्क्रीन पर। सो व्हेन आई गॉट टू नो कि सोनल इज देयर इन द एड, सो
मुझे लगा कि यू नो बहुत मजा आएगा शूट करते हुए और आई ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग विद हर और होपफुली भी शायद ये भी एंजॉय करती होंगी शायद जी इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय कम है और बातें बहुत सारी कहनी है सो आई थिंक एक मोर चैलेंजिंग रहता है फिल्म के अंदर बहुत सारा बातें कर सकते हैं लंबा समय ले सकते हैं लेकिन जब आप 10-20 सेकंड्स के अंदर पूरा कन्वे करना है किसी को कन्विंस करना है बायर को आपको कन्विंस करना है कि आप यू नो क्या उन्हें बेचना चाहते हैं सो 10-20 सेकंड के लिए उस समय आपको एक कमाल का डायरेक्टर चाहिए रहता है कमाल का प्रोडक्ट चाहिए रहता है सो जब दोनों जो पिलर्स हैं स्ट्रांग हो तो फिर जो नैया है वो पार हो ही जाती है आज की एड जो टेक्स्मो वाइप्स की एड कर रहे हैं हम जितनी घरों में आजकल लीकेजेस की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाया गया टेक्स्मो पाइप बड़ी स्ट्रांग और जो टेम्परेचर्स हैं 100 डिग्री से लेके माइनस तक सब यू नो सह सकती हैं पाइप सो आई थिंक एक मजबूती का नया नाम है टेक्स्मो एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट आज का कमर्शियल बहुत अच्छा जा रहा है सोनू जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सोनू जी के साथ तो पहली बार काम किया है इनका जोड़ी बहुत कमाल का लग रहा है हमने जो सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है और पहली बार तो मैं संजय जी का थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ट्रस्ट किया पिछले कई दिनों से प्लान कर रहे थे एड फिल्म करना है और उन्होंने ट्रस्ट किया एक सब्जेक्ट हमने बनाया और सोनू जी ने इस पर हाँ किया तो थैंक्स सोनू जी को ना आजकल हर एक्टर इतना चूजी हो गया कि एक डर रहता है कि हम काम करें या ना करें तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया उसके थैंक्स सोनू जी सोनल जी एंड संजय अग्रवाल जी बाकी टेक्सो इज बेस्ट देखिए ऐसा है कि यदि आप अपनी लाइफ में घर कितनी बार बनाते हैं और शादी कितनी बार करते हैं आपके परिवार में शादियां तो कई बार होती हैं लेकिन एक पीढ़ी में घर तो शायद एक ही बार बनता होगा तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है वो घर के अंदर यदि आपकी पाइपलाइन और पाइप की फिटिंग्स लीकेज होगी तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते आप काम पर जाएंगे वाइफ का फ़ोन आएगा अरे प्लम्बर को लाओ अरे ये प्रॉब्लम हो गया तो आप बेस्ट पाइप टेक्स्मो का और बेस्ट फिटिंग टेक्स्मो की लगाएंगे ये चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखा है हमें मालूम है कि एक आदमी के घर में यदि प्रॉब्लम आता है यदि लीकेज या इससे संबंधित तो उसको पूरे परिवार को कितनी तकलीफ आती है तो कई हमने ऐसे जो स्टैंडर्ड है उससे भी ऊपर जाके प्रोडक्ट को की क्वालिटी मेंटेन करी है और सबसे बड़ी बात सोनू जी और सोनल जी और राजेंद्र जी इतनी बढ़िया हमें टीम मिली है मज़ा आ रहा है बिल्कुल प्रोफेशनली इन लोगों का इतना बढ़िया अप्रोच है कि जहाँ कई चीज राजन जी के निगाह से चूक जाती है तो वहाँ सोनू जी देख लेता रहे ये जरा ठीक कर लो इसको बहुत अच्छा लग रहा है इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस बहुत ही जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी हमें एक टीम मिली है तो जब टीम अच्छी होती है और एक फैमिली की तरह काम चलता है तो बहुत मजा आता है और बहुत बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक टेक्स्मो और मुझे लगता है कि आगे जाकर ये इंडिया का मोस्ट फेवरेट पाइप होने वाला है सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम इसका एक हिस्सा हैं टेक्स्मो इज रॉकिंग टेक्स्मो इज बेस्ट सॉलिड एंड लीक एक जन ये साइड आ जाओ सब लोग ध्यान से तो अच्छा आज हम लोग ये टेक्स्मो पाइप फिटिंग्स का एड फिल्म शूट कर रहे हैं जिसमें सोनू सूद जी ब्रांड एम्बेसडर है साथ में सोनल चौहान जी हैं जो उनके वाइफ का रोल कर रही है और ये ब्रांड पहली बार एंडोर्समेंट कर रहे हैं हम लोग तो ये सोनू जी को हमको लगा सोनू जी से परफेक्ट उनसे फिट आदमी आज तक बॉलीवुड में कोई है नहीं इसलिए हमने उनको चुना है और सोनल जी बड़ी खूबसूरत हैं उनको लगा कि वाइफ के रूप में एक हैप्पी फैमिली होना चाहिए और अच्छा परिवार होना चाहिए तो हमने उनको लिया है सर आप ऐड के बारे में बताइए प्रोडक्ट के बारे में दोनों बात कर लेते हैं ठीक प्रोडक्ट किस तरह की ऐड है ये ये कमर्शियल हमने दिखाने की कोशिश की है कि आपके घर की मजबूती के लिए जैसे आप कोई भी पाइप मजबूत होना चाहिए चीज़ें मजबूत होना चाहिए तो जैसे आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं फिटनेस का ध्यान रखते हैं वैसे अगर आपके घर में पाइप फिटिंग्स अच्छी होगी तो अच्छे शरीर से आदमी खूबसूरत रहता है सेहतमंद रहता है वैसे पाइप फिटिंग अच्छी रहेगी तो आप लोग आपका घर स्वस्थ रहेगा आप हेल्थी रहेंगे उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है प्रोडक्ट के माध्यम से सोनू को क्यों चुना आपने सोनू जी परफेक्ट हैं फिट हैं सॉलिड बॉडी है उनका ओके और हमारा मजबूती और भरोसामंद ये हमारा टैगलाइन है
तो आज की तारीख में सोनू जी से बढ़िया मजबूत और भरोसेमंद मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा एक्टर है, उन पर भरोसा किया जा सकता है और इसलिए हमने इस ब्रांड के साथ उनको अटैच किया है। कैसी केमिस्ट्री शूट के दौरान? कमाल कमाल, सोनू जी से ग्रेट, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत कम समय में चीज़ों को बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनका टाइमिंग बहुत करेक्ट टाइमिंग है। एज ए डायरेक्टर मुझे उनका काम करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी चाहूँगा उनके साथ काम करूँ और फिल्म करूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आपका परिचय? मैं आई एम संजय अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एक्चुअल में क्या है, जो पाइप और फिटिंग्स है उसके बहुत एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं कि आज जैसे अभी मैंने बताया आपको कि घर एक पीढ़ी में एक बार बनता है, शादी कई बार होती है, तो आप खुद सोचिए कि घर बनाते वक्त हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, खास करके पाइप और फिटिंग्स का, कि घर में कभी भी आगे चल के फ्यूचर में लीकेज का कोई प्रॉब्लम ना आए। आज जरा भी लीकेज का प्रॉब्लम आता है पूरा घर परेशान हो जाता है। इस चीज़ को हम लोगों ने समझा है, यानी केवल बोलने के लिए बात नहीं है, वो चीज़ हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बिल्कुल लीकेज प्रूफ है, स्ट्रांग है और जिसमें हमारी वेल विशिंग ये जुड़ी है कि जिसके वहाँ लगे वहाँ पर खुशियाँ बहे, उस परिवार में खुशियाँ बहे, ऐसी वेल विशिंग उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू सर।